हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो अभी देखिए, हस्बैंड मंडी से सब्जी लेकर आए थे। कितनी फ्रेश सब्जियां हैं ना, आप देख सकते हो। और ये मटर है, 1 किलो मटर था, मेथी साग था, पालक साग था, गोभी था एक बड़ा फूल, बैंगन था, और भी सब लाए थे, टमाटर, आलू, प्याज, मिर्चा, अदरक, ये सब कुछ लाए थे। तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी फ्रेश सब्जियाँ हैं। और साथ ही में जलेबी लेके आ गए थे, ये देखिए मैंने इसे प्लेट में निकाल के रख दिया है। तो गर्मा गर्म जलेबियाँ आप लोग भी खा लीजिए, ये देखिए फ्रेंड्स। फिर उसके बाद मैं सारी सब्जियों को लगा दूंगी, मतलब अभी नहीं, थोड़ा चाय पानी कर लूंगी, फिर लगाऊंगी सब्जियों को। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, कालू जो है ना, हम लोग के घर का डॉगी है, घर का नहीं है, वो सबके घर जाता है, पूरे कॉलोनी का जो है। अगर कोई भी बाहरी आएगा ना, तो ये किसी को अंदर, मतलब कॉलोनी में ही एंट्री नहीं करने देता है। तो सब घर वाले कुछ ना कुछ इसको देते रहते हैं खाने के लिए। तो देखिए, हस्बैंड जलेबी, और मैं उसके लिए रोटी बना देती हूँ 2 डेली, शाम को भी 2 दे देती हूँ, सुबह में भी। सब कोई देता है, पूरे कॉलोनी वाले, जिसको जितना रोटी समझ में आता है वो इसे दे देता है। अब वो दिन भर ये हमारे कॉलोनी में ही रहता है, इसका घर दूरी पे है बट वो यहीं पे हमेशा रहता है। राधे राधे। तो अभी देखिए मैं जा रही हूँ जलेबी खाने, और आई आप लोग भी जलेबी खा लीजिए, अभी गरम गरम जलेबी। हल्की सी ठंडी हो गई है, क्योंकि आपको पता है कि ठंड के मौसम में चाहे चाय हो या खाना हो, वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो चलिए अभी हम जलेबी खा लेते हैं, फिर तब तक हस्बैंड भी आ जाएंगे, उनका भी चाय पानी हो जाएगा। तो अभी मैं पालक को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि आज की ताज़ी ताज़ी सब्जी है। पालक अगर रखिए ना, तो ये सूख जाते हैं, तो मैंने सोचा कि पहले आज पालक ही बना लेती हूँ। अगर इसको रखूँगी ना, तो 1-2 दिन में ही सूख जाएगा, तो इसीलिए आज पालक की सब्ज़ी, आलू, पालक, बैंगन, टमाटर बनाऊँगी। और सारी सब्जियों को मैं स्टैंड में लगा लेती हूँ, बाकी सारी सब्जियों को मैं साइड में रख दूँगी, और पत्ता गोभी के पत्तों को किनारे कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, और ये देखिए तड़के के लिए मैंने प्याज कट कर लिया है मीडियम साइज का, एक काफ़ी मात्रा में मैंने लहसुन लिया है, लहसुन, हरी मिर्च, हम हरी मिर्च से ही तड़का लगाते हैं, और आलू कट कर लिया है मैंने, और ये बड़े साइज का जो मोटा वाला बैंगन आता है गोल वाला, उसको मैंने आधा ले लिया है। टमाटर, आलू, बैंगन मैंने कट कर लिया है, और ये पालक का साग, आज मैं पालक का साग बनाने जा रही हूँ, सूखा वाला नहीं फ्रेंड्स, गीला वाला बना रही हूँ, जो कि मेरे बच्चों को बिल्कुल नहीं पसंद है ये वाली साग, पर मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है। तो आज सोचा कि मैं यही वाला साग बनाऊँ, जो सूखा वाला साग होता है, साग का भुजिया, वो मैं कई बार आप लोग के साथ रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ, तो आज मैं इसकी रेसिपी शेयर करूँगी आप लोग के साथ, और ये भी बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, बनने के बाद काफ़ी टेस्टी लगता है ये, आप चावल के साथ खा सकते हो और रोटी के साथ भी खा सकते हो, तो चावल के साथ ही ज़्यादा अच्छा लगता है ठंडियों के सीज़न में। पालक, इस समय तो हमारे घर में आपको पालक की रेसिपी, मतलब साग की, पालक, मेथी, बथुआ, इसकी रेसिपी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो अभी देखिए कढ़ाई हो गई है गरम, तो इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा तेल, थोड़ा नहीं, ये मैंने बड़े चम्मच से 3-4 चम्मच तेल ले लिया है, अभी ये गर्म हो जाएगा, तो इसमें मैं डाल दूँगी मेथी दाना। तेल गरम हो गया है, तो मैं इसमें डाल देती हूँ मेथी दाना 1/2 चम्मच। जब ये मेथी दाना गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तो इसमें मैं डाल दूँगी लहसुन, हरी मिर्च, प्याज, इसका तड़का मैं लगा दूँगी। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, मेथी जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गई है, आप देख सकते हो। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ हरी मिर्च, लहसुन और अदरक, हरी मिर्च, लहसुन और प्याज, अदरक मैंने नहीं डाला है, ऐसे ही मुझसे निकल गया, सॉरी। तो अभी मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ, गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए अभी मैंने सब्जियों को निकाल लिया है, इसे मैं लगा देती हूँ फ्रिज में। तो फ्रेंड, अब तक लहसुन प्याज गोल्डन ब्राउन होगा, तब तक मैं सोच रही हूँ कि मैं सब्जियों को लगा दूँ, इधर ये भी उतरेगा और इधर मैं सब्जियों को लगा दूँगी। इधर देखिए कितने सारे बर्तन वहाँ रखे हुए, देखिए सब ऊपर, पहले इधर का काम कर लेती हूँ ना, फिर उसके बाद से बर्तन भी क्लीन करना है, पहले सब्जी लगा लेती हूँ, फ्रिज में देती हूँ।
ये देखिए फ्रेंड्स, मुझे ऐसा ही प्याज चाहिए था, पूरी तरीके से नहीं भुना हुआ चाहिए था। ये देखिए सही है ये। अब मैं इसमें डाल दूंगी आलू, टमाटर, बैंगन। इसे थोड़े देर के लिए, बस एक दो मिनट के लिए ढक के भून लूंगी, फिर इसमें मैं पालक ऐड कर दूंगी। पहले इसे मैं अच्छी तरीके से चला लेती हूँ, फिर इसे मैं ढक के रख दूंगी। भून लिया इसको, तो अभी मैं इसमें अब पालक ऐड कर दे रही हूँ। तो अभी मैं सारे पालक ना डाल दूंगी कढ़ाई में, अब फिर इसे कवर करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी। फिर ये देखिए पालक जो है सॉफ्ट हो गया है। अभी जब मैं इसमें नमक डाल दूंगी तो ये और पानी छोड़ेगा। तो ये देखिए हल्दी, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, ये सब मैं डाल देती हूँ। फिर मसालों को अच्छी तरीके से सब्जियों में मिक्स कर लूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, नमक डालते ही कितना सारा पानी जो है वो पालक छोड़ दिया है। और यहाँ पे देखिए सब्जी मतलब कंप्लीट होने वाली है। बस मैं गरम मसाला डाल दूंगी, एक दो मिनट बस ढक के इसे रखूंगी, फिर पालक की सब्जी रेडी है। ये बहुत टेस्टी लगती है फ्रेंड्स, आप रोटी के साथ, चावल के साथ, हम लोग तो सिर्फ चावल के साथ खा लेते हैं। चावल के साथ ठंडी के समय में चटनी हो, मूली हो और पालक का साग हो गीला वाला, तो बहुत अच्छा लगता है। खाने का असली मज़ा ठंडियों में ही है, तरह तरह की सब्जियां मिलती हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आटा भी लगा लिया है, अब तुरंत रोटियां सेक लूँगी, क्योंकि हस्बैंड भी नहाने चले गए हैं, लंच का टाइम हो गया है, बच्चे भी आते होंगे। तो आज का हमारा लंच जो है लग गया है, दाल, पालक की भाजी, पनीर की सब्जी, सादा चावल, सादी रोटी है, मैंने घी वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है। और बस आज लंच में मैंने यही बनाया था। लेके नीचे आओ, अभी ऐसे फेंक दिए। पापा का ये मत लाया करो, छवि बोलती है पापा की, वहीं छोड़ दिया करो। तो अभी मैं ये सारे कपड़े ना समेट लेती हूँ, क्योंकि साफ ही है घर, पर जब इससे बोलिएगा ना कि मतलब छवि और तुम कपड़े वगैरह ला दो, तो ऐसे ही ये करती है। तो चलिए अभी मैं इसे किचन में ले चलती हूँ, फिर मैं अपने लिए चाय ले लेती हूँ, क्योंकि चाय बन गई थी और मैं बर्तन साफ कर रही थी ना, तो इसलिए मैं जो है ना चाय नहीं पी पाई। अभी ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो पहले चाय पी लेती हूँ, फिर कुछ करूँगी। और आज भी मुझे रिसेप्शन में जाना है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ। यहाँ देखिए अभी ये थोड़ा सा मैं रुपेश के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि वो भी आएगा ना कोचिंग पढ़ के, तो उसे भी चाय चाहिए। ठंड इतनी, काफ़ी ठंड पड़ने लगी है आज हमारे यहाँ, थोड़ा थोड़ा बारिश भी हुआ है, तो इसकी वजह से मुझे लग रहा है ठंड अभी और बढ़ेगी, खरवास चढ़ने से पहले ठंड बढ़ जाएगी। तो आइए फ्रेंड्स, चाय पी लेते हैं, पहले आप पी लीजिए फिर मैं पी लूँगी। तो चलिए अभी चाय पी लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो चलिए मैं आपको रूम की हालत दिखाती हूँ, रूम की हालत क्या है ये देखिए। कितना भी आप साफ कर लो, पर जहाँ बच्चे हैं वहाँ गंदगी होती रहेगी। और ये सब कसम खा रखे हैं कि मैं घर को गंदा ही रखूँगा। रुपेश भी ऐसे आएगा, ड्रेस फेंक देगा, छवि भी फेंक देगी, मैं अकेले बताइए कितना समेटूँ। और चलिए, पर कोई नहीं, जितना मुझसे हो सकता है मैं अपने घर को क्लीन रखती हूँ, साफ़ सुथरा रखती हूँ, ताकि यहाँ देखिए छवि यहाँ पे अपना स्कूल का जो है ड्रेस स्वेटर यहाँ रखी है, ये देखिए। और जब स्कूल इसे जाना होगा ना, तो फिर ढूंढेगी कि स्वेटर कहाँ है और बाकी चीज़ कहाँ है। और ये नहीं कि इसे एक जगह ला के रख दें। तो चलिए अभी रूम भी साफ करना है, रेडी होना है, चाय पी लेती हूँ, फिर उसके बाद से बाकी सारे काम करूँगी, ये देखिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कपड़े ना फोल्ड करके यहाँ पे लगा दिए हैं, बट अलमारी में नहीं लगा पा रही हूँ, तो अलमारी में भी इसे लगा लेती हूँ। पहले पीऊँगी चाय, क्योंकि चाय बहुत जल्दी आजकल ठंडी हो जाती है, तो मैं और छवि इसी में पियेंगे हम दोनों लोग, तो पी लेती हूँ पहले। तो छवि तो रेडी हो गई है, उसने अपने ड्रेस पहन ली है, अब मुझे और रुपेश को रेडी होना है। रुपेश जब आ जाएगा कोचिंग से ना, तब मैं उसे रेडी करूँगी, तब तक घर के जितने बाकी काम है वो सब निपटा लेती हूँ तो अच्छा रहेगा। सारे कपड़े लगा दूँगी, बर्तन सारा वॉश कर लूँगी, क्योंकि कहीं आप जाते हो ना, वहाँ से आओ, घर अगर गंदा दिखता है तो बहुत ही बुरा लगता है। तो मैं कहीं भी जाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि पूरा घर जो है वो नीट एंड क्लीन दिखे। और छवि देखे, छवि भी चाय पी ली है। तो फ्रेंड्स, आजकल मैं इतनी टेंशन में रह रही हूँ ना, कि मैं आपसे क्या बताऊँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि पता नहीं क्यों
मेरा 1480 सब्सक्राइबर हो गया था, अभी इस वक्त वो घटते घटते 700 पे आ गया, 780 हो गया है। मैं क्या करूँ, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। और ये देखिए छवि का फाइनल लुक देखिए, छवि ने वही ड्रेस पहनी थी क्योंकि दूसरी निकालती तो गंदा कर देती, इसलिए मैंने कहा कि उसी पार्टी में फिर से जाना है तो चलो यही पहन लो, अभी उतना भी ख़राब नहीं है। और ये देखिए बाल का, मैंने बाल में ये जो लगाई है ना, ये मैंने मार्केट से लिया था, तो बोल रही थी कि मम्मी दिखा दीजिए, तो मैं वो दिखा दी, मतलब दिखा रही हूँ आपको। तो फ्रेंड्स मैं आपसे क्या बताऊँ कि ये वीडियो मैं कब का शूट की थी, एक हफ्ता हो गया है, लेकिन मुझे एडिट करने का मन ही मेरा नहीं हो रहा था कि मैं एडिट करूँ। बिल्कुल मन कर रहा था कि अभी YouTube छोड़ो, YouTube में हम फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, YouTube को तो समझ आता नहीं है। इतनी मुश्किल से हमने सब्सक्राइबर को गेन किया था, वीडियो वायरल हुआ था, बट क्या बताएं, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। एक तो मैं प्रेयर कर रही थी कि मेरा कोई एक वीडियो वायरल हो जाए, वो वायरल हुआ, सब्सक्राइबर भी गेन हुए, बट वॉच टाइम मुझे नहीं मिला, और ना ही मुझे, मतलब मेरे जो सब्सक्राइबर थे वो सब्सक्राइबर मिले, सारे सब्सक्राइबर यूट्यूब ने काट दिया है। मैं क्या करूँ, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल मेरा मन कहीं लग ही नहीं रहा है कि मैं कोई काम करूँ। और यहाँ पे हमने काफ़ी मस्ती की, आप देख सकते हो सारी लेडीज़ बहुत अच्छा डांस कर रही थी, बट मैं म्यूज़िक नहीं लगा सकती क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, आप लोग को पता ही है, तो इसलिए मैंने म्यूज़िक को जो है वो हाइड कर दिया। और अगर वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, आप मेरे वीडियो को सबसे पहले वॉच कर सकोगे। और ये है दूल्हा दुल्हन, दुल्हन बहुत खूबसूरत थी, मुझे मतलब बहुत सुंदर दुल्हन थी, मैं आपको थोड़ा सा क्लिप लेके दिखा दी हूँ। और यहाँ कॉफ़ी वगैरह हम पी रहे थे, इसके बाद हमने नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद डायरेक्ट हमने डिनर कर लिया, उसके बाद से घर चले गए, और घर हम बहुत जल्दी चले गए थे, ज़्यादा टाइम नहीं, 10:30 बजे तक हम घर पहुँच गए थे। क्षमा भी साथ में आई थी, सासू माँ भी साथ में आई थी, तो अभी सासू माँ नहीं आई हैं इसलिए मैं उनका कोई क्लिप नहीं ले पाई हूँ। और यहाँ मेरा हेयर थोड़ा सा ख़राब हो गया था ना, तो वही मैं सही कर रही हूँ। और ये सारा जो सूट किया है रुपेश किया है, ये देखिए, तो ये इसको जैसा अच्छा लगा वो उस तरह से अपना कर दिया है। और यहाँ पे डांस चल रहा था, छवि भी डांस कर रही थी, बट मैंने उसका नहीं लिया क्योंकि लगाऊं क्या जब म्यूजिक रहेगा ही नहीं। तो बस आज का वीडियो यहीं तक।